और हमारे दोनों गेस्ट काफी एक्साइटेड हैं फोर्ड की इस कार को लेकर, क्योंकि लगता है कि कंप्लीट पैकेज है। शुरुआत आपसे करते हैं दिलीप साहब, बताएं कि स्टाइलिंग कैसी लगी आपको, और जो इंजन अभी बता रहे थे योगेंद्र प्रताप, क्या वाकई में आ पाएगा भारत? See, I think from the design perspective of the pictures that I've seen, she is very exciting. You know, Ford design, especially Ford European emanating design, is very exciting. I mean, it's no longer the Fords, the dowdy Fords that you actually saw 10, 15 years back. And I think they'll be the first movers in that segment, in that sense. Also, what Yogendra was mentioning, I think the engine part is really the interesting and exciting part. And I know there is a lot of buzz around that car. So I am sure that that is going to happen, and I'm sure that it's going to be a winner. फिएस्टा के प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आपने बताया, लेकिन क्या यही इंजन आ पाएगा? कुछ प्लान्स पता चल रहे हैं इस समय फोर्ड कंपनी के? फोर्ड ये इको बूस्ट सीरीज का इंजन है जिसमें पेट्रोल में डायरेक्ट इंजेक्शन है और टर्बो चार्जिंग है, और ये धीरे धीरे सारे अपने व्हीकल्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसकी की यही है कि वॉल्यूम्स मिले, तभी ये टेक्नोलॉजी वो सस्ते में बेच पाएंगे, अफोर्डेबल बना पाएंगे, तो वो जरूर अपनी पूरी रेंज में डालेंगे ये इको बूस्ट सीरीज। तो डेफिनेटली इंडिया में फ्यूल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे मार्केट्स में भी होती जा रही है, और फोर्ड कहते हैं कि अब उनका जो प्लानिंग है वो सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हीं को देख के हो रहा है। आज सुबह फोर्ड के जो बिग बॉस हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे, एलन मुलाली, वो कह रहे थे कि मतलब 70% उनका जो ग्रोथ आएगा वो डेवलपिंग कंट्रीज से आएगा, तो उनको इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं। तो कार इंडिया जैसे मार्केट के लिए बनाई है, और बिल्कुल ठीक बनाई है।